लोकसभा चुनाव की तैयारी हो चुकी है और दो मैदान में प्रत्याशी भी उतर चुके हैं। मंडी से विक्रमादित्य और सोलन, जिस जगह से हमारे प्रत्याशी आते हैं वो सोलन जगह है, परंतु अगर हम पूरी विधानसभा क्षेत्र के सिवा अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा प्रत्याशी विनोद कुमार सुल्तानपुरी। विनोद सुल्तानपुरी असल में अपने नाम से कम अपने पिताजी के नाम से ज्यादा जाने जाते हैं, हालांकि इनका बड़ा पिछला राजनीतिक करियर इनके पिताजी का बहुत लंबा रहा है। विनोद सुल्तानपुरी जी उसके बाद विधानसभा कसौली के विधायक बने और इस बार कांग्रेस ने इन्हें लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में, और आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि किन मुद्दों को लेकर आप जो हैं आम जनता के बीच में जा रहे हैं। देखिए, अभी मुझे पार्टी हाई कमांड ने निर्णय लिया है और उस निर्णय के तहत जिम्मेदारी जो दी गई है शिमला पार्लियामेंट में चुनाव लड़ने की दी गई है। और यहाँ पे जो समस्याएं हैं सच एज रोड्स, वाटर सिस्टम और जो हमारा हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं उनकी जो इश्यूज हैं उसके ऊपर मैं गहर चिंतन भी कर रहा हूँ और अभी समझ रहा हूँ। लगभग नॉमिनेशन से पहले मेरा पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का टूर हो जाएगा जी और प्रॉपर एक में एजेंडा बनाने वाला हूँ जिसके तहत हम काम करेंगे। जहाँ तक मुद्दे की आप बोल रहे हैं, मुद्दे ये है कि हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें बहुत बड़ा गैप रहा और गैप इस तरह का रहा कि जब हमारे लोग यहाँ पे त्रासदी में थे तो त्रासदी के समय हमारे जो सांसद हैं माननीय सुरेश कश्यप जी, जी उनके द्वारा उसके बारे में कोई चर्चा भी नहीं की गई। आज एक आरटीआई के तहत द्वारा एक इन्फॉर्मेशन ली गई जिसमें उनसे पूछा गया, जो हमारे ऑफिशियल पेपर्स हैं उसमें पूछा गया कि कितना फंड माननीय हमारे सांसद जी ने दिया है, जी उनकी तरफ से कोई डिमांड ही नहीं आई है। इस तरह की एक जो ऑफिशियल कागज आज सर्कुलेट हो रहा है तो ये मैं कहता हूँ कि ये दुखद है जी क्योंकि जितनी बड़ी मैंडेट उन्हें मिली 3.5 लाख से ऊपर तक का उनका मैंडेट रहा विच इज हिस्टोरिक। और अब ये देखते हैं कि हमारा जो राष्ट्रीय उच्च मार्ग बन रहा है उसमें कितनी खामियां हैं और जब ये डिजास्टर हुआ जी उसका जो ड्रेनेज सिस्टम था वो घरों के अंदर को किया गया था और उसके साथ ही एक एक्सीडेंट भी हुआ जिसके बारे में अक्सर मैं जिक्र भी कर रहा हूँ जिसमें 5 लोग सड़क पे चल रहे थे और उनको एक गाड़ी ने रौंद दिया। जी उसके बाद भी कई एक्सीडेंट्स हुए हैं। ये फॉल्टी नेशनल हाईवे रहा एक सांसद होने के नाते जो राष्ट्रीय स्तर के जो हमारे इश्यूज होते हैं उसके ऊपर विचार और लोगों की जो भावना है उसको प्रकट करने की जिम्मेदारी होती है जी और मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर उन्होंने गौर नहीं किया और इसी वजह से आज हमारी जो शिमला पार्लियामेंट है वो पीछे रह गई है। उनके द्वारा पार्लियामेंट का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ही मैं समझता हूँ कमजोर रहा है और अगर वो बात रखते तो क्या पता कुछ काम हो पाता। जी देखिए, जब हम राष्ट्रीय उच्च मार्ग का जो कंस्ट्रक्शन है उसमें ये पाया गया कि जो डीपीआर है जी वो इस तरह से बनाई गई थी जिसमें ना फुटपाथ के प्रोविजन है, जी जो ड्रेनेज सिस्टम घरों के अंदर को किया गया, ये त्रासदी का एक बहुत बड़ा कारण कारण बना, बहुत बड़ा कारण बना है और हमारे लोगों को बड़ी दिक्कत आई है क्योंकि ये अनकम्प्लीट डीपीआर जो है ये बहुत बड़ा कारण रही। और जब आप राष्ट्र स्तर पे ये मुद्दे उठाते तो जी मैं समझता हूँ एक बहुत प्रोग्रेसिव अगर देश में हम देखते हैं नितिन गडकरी जी को अगर आप कहते, भले ही हम विपक्ष में हैं, मैं समझता हूँ उनके पास अगर ये जानकारी दी जाती कि वहाँ पे फुटपाथ नहीं है और वहाँ पे आपका जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो नालियां हैं वो घरों के अंदर को कर दी गई है, बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी गई है, घर घर में अगर किसी का घर राष्ट्रीय उच्च मार्ग के नजदीक है तो जी उनके लिए तो वो दीवार उनके घर के ऊपर आ गई है। तो इसका जो डीपीआर का जो तरीका रहा है उसके ऊपर कोई भी मंथन या कोई भी जो इश्यूज हैं लोगों के वो रखने में मुझे लगता है सफल नहीं हुए, उन्होंने बड़ा नुकसान इस तरह से लोगों का हुआ है। तो मैं समझता हूँ जो भी एक सांसद होता है
वो लोगों की समस्या को खुद समझे, अगर वो बोल ना पाए तो ये उनको अपने आप उस जगह पे समझना चाहिए कि मैं उस स्थान पे हूँ जहाँ पे हमारे स्थानीय लोग हैं। 3.5 लाख लोगों का मार्जिन से आप चुनाव जीते हैं, तो कुछ ना कुछ आपके लिए उन्होंने सोचा होगा, ये अपेक्षाएं हैं, इसके ऊपर आप खरे नहीं उतर पाए, ये मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा, एक चीज अगर हम बात करें, हमारी जो शिमला कॉन्स्टिट्यूएंसी की सीट है, ये लगातार कांग्रेस की जीती जाने वाली सीट थी। आपके पिताजी ने भी 6 बार जीती, कर्नल धरीनाम छांडिल ने जीती, उसके बाद एक वैक्यूम जैसा आ गया और कांग्रेस इस सीट को छूट गया कांग्रेस के हाथ से। आप इस बार दोबारा उनके गढ़ में घुसकर वापस खींचना चाहते हैं, क्या तैयारियां हैं? देखिए, ये चुनाव है और लोगों ने जो चुनना है उनकी उनसे अपेक्षा होती है कि एक आदमी किस तरह से अपने जो वोटर्स हैं उनकी समस्या के ऊपर क्या उनका मैं समझता हूँ क्या उनकी सोच रहती है, क्या वो उनको सही में रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं करते हैं, ये प्रश्न लोगों ने अपने जहन में रखा होता है। जी। और ये मैं समझता हूँ कोई किसी का गढ़ नहीं होता है, गढ़ तो पहले हुआ करते थे डाकुओं के पर मैं ये समझता हूँ जो काम करने का तरीका है, कार्यशैली होती है किसी की, उसके अनुसार लोग उनको देखते हैं। ये बहुत मैं समझता हूँ बड़ा वास्ट एरिया है और इसमें समस्याएं इतनी हैं, इसका समाधान करते हुए समय लगता है। पर अगर इतनी अनफॉर्चुनेट बात यह है कि आपके द्वारा प्रश्न ही नहीं पूछे जाए, आपकी निधि ना डिस्ट्रीब्यूट हो पाए, आपका टूरिंग ही ना हो पाए, जी, ये प्रश्न मैं समझता हूँ बहुत गंभीर है, क्योंकि आप चुनावी रण में आए हैं, चुनावी रण में सिर्फ वोट तक सीमित नहीं है, जब आपके ऊपर जिम्मेदारी दी गई है तो समस्या के लिए आप जो भी समस्या है उसके उसका समाधान करने के लिए जो डबल इंजन की बातें कही जाती थी, कौन सा इंजन है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि अगर हमें काम करना है उसके लिए जज्बा होना चाहिए, उसके लिए लोगों की जो समस्या है उसका समाधान करने के लिए, हल करने के लिए आपका मन होना चाहिए। अच्छा सुल्तानपुरी जी, अगर आपने देखा होगा तो जो शिमला कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर हम बात करें, भले ही हम मंडी हमीरपुर कांगड़ा की अगर हम बात करें, वहां पर फिर भी प्लेन एरिया ज्यादा है, यहाँ पर पहाड़ी इलाका है और सबसे ज्यादा जरूरत अगर हम सड़कों के विकास की बात करें या बागवानों की बात करें, क्या सोचते हैं उनके जो उनके लिए एक कुछ अच्छा काम करना है आप लोगों ने, क्योंकि शिमला कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो सीट है, शिमला लोकसभा सीट, ये रिजर्व सीट है और बहुत ज्यादा जो पिछड़ा वर्ग है वो इस सीट में रहने वाले लोगों का है, उनके उत्थान के लिए आप क्या करना को कहते हैं? मैं कभी डिस्टिंक्शन नहीं करता हूँ, जो समस्या मेरे सामने आती है उसका समाधान करने की मैं पूरा पूरा प्रयास करता हूँ। जी, मेरी विधानसभा कसौली में जिस तरह का मैंने काम करने की कोशिश की है एक वर्ष में, माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए मुझे बहुत आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद के तहत उन्होंने जो मेरी समस्याएं थी उनको सुना और उसका समाधान करने के लिए हमने जो भी हमारे लोग थे उसका उनकी जो समस्या था उसका समाधान करने की पूरी पूरी कोशिश की है और उसमें हम सफल भी हुए। तो इसी तरह मैं रेप्लिकेट करना चाहता हूँ जो शिमला पार्लियामेंट है, विदाउट डिस्टिंक्शन, ये मुझे लगता है बहुत छोटी सोच हो जाती है, जो समस्या में है उसका समाधान करने के लिए। प्राथमिकता क्या है? सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि जितने हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुश्किल इलाके हैं कैसे हम उनके घरों तक सड़क बना पाए, इसके ऊपर हम विचार करेंगे और इसके लिए विशेष रूप से मैं, क्योंकि मुझे अभी चुनाव के लिए मात्र 3 दिन प्रति कॉन्स्टिट्यूएंसी मिल रहे हैं, मैं मुख्य नोट्स बना रहा हूँ, पर जो मेरा वर्किंग स्टाइल है, काम करने का जो मेरा तरीका है, उसमें मैं डोर टू डोर जाता हूँ, एटलीस्ट पंचायत से पंचायत तक तो जाना चाहिए, लगभग 900 पंचायतें हैं तो 900 टूर समझ लीजिए, ये मैं करूँगा और अपने लोगों की सब बातें सुन के उनके बारे में उनकी क्या हम समाधान कर सकते हैं मैं उसके ऊपर काम करना चाहता हूँ। सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है? देखिए, आने वाले समय के लिए जो हमारे पानी का जो सिस्टम है वो डिप्लीट होता जा रहा है, इसके ऊपर हमें बहुत एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी बनानी है ताकि हमारे जो किसान बागवान हैं उनके पास जब पानी की सुविधा प्रॉपर होगी उसके ऊपर
पूरा मैं आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से फिर से मैं कहता हूँ, क्योंकि उसको रेप्लीकेट मुझे बड़े लेवल पे करना है। तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंने एक कुशलिया बांध के बारे में बात की है, जिससे मेरा बनासर का एरिया, मेरा कसौली का एरिया, परवानू का एरिया और मेरा धर्मपुर तक का एरिया, उसमें आने वाले समय में लगभग 100 वर्षों तक उसमें पानी की समस्या का हल हो जाएगा जी। इस तरह की स्कीम्स को मैं फॉलो करता हूँ। और उसी के साथ अभी कांगर खड जो है वहां पे मैंने इस बार की प्रायोरिटी में डाला है। तो इस बार की जो प्रायोरिटी है उसमें जो प्रोविजन है पानी का, जो स्रोत बनने वाला है, वो लगभग 3 करोड़ लीटर को स्टोर करने वाला है। तो इस तरह की विजन मैं रखता हूँ जिसमें मैं काम करना चाहता हूँ, जो लॉन्ग टाइम के लिए हमारे जो लोग हैं, हमारे जो किसान हैं, बागवान हैं, उनकी जो सुविधा, हम कैसे उनको सुविधा दे सकते हैं उसके ऊपर हम काम करेंगे। टूरिज्म कैसे हमारा बढ़ सके, हमारा बहुत चीजें हैं, मैं एज ए यंगस्टर कई चीजें हैं। इनफैक्ट अगर आप मेरी प्लानिंग की मीटिंग के जो पॉइंट्स हैं, बिंदु देखेंगे, तो हमारी जो टॉय ट्रेन चलती है उसमें जो स्टेशंस हैं, काफी स्टेशंस हैं, तो उन स्टेशंस को मैं थीम स्टेशन के तहत देखता हूँ और उनमें अलग अलग तरह की थीम दी जाए, जैसे हमारे लोक नृत्य है, हमारा खान पान है, हमारे हमारी अलग अलग तरह की जो हमारे हिमाचल की जो आर्ट्स हैं वो डिस्प्ले कर सकें, और हमारा जो लोकल, हमारा जो यहाँ का गांव का हमारे साथी हैं, उसके एडजॉइनिंग जो लोग रहते हैं, ये हम अपने कल्चर को किस तरह से पूरी दुनिया में दिखाएं, इस तरह का काम करने की मेरी सोच रहती है। अच्छा, अब एक अंतिम सवाल आपसे मैं जानना चाहूंगा। 2022 के चुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो एक ठोस पकड़ थी वो कहीं ना कहीं छूटी, अगर हम बात करें गंगूराम मुसाफिर की, दयाल प्यारी की, और ये दोनों तीनों जो नाम हैं ये हिमाचल में एक बड़ा कद रखते हैं, और इनका वोट अगर काउंट बात करेंगे तो वो भी बहुत बड़ा है। उन सबको एकजुट करने के लिए आप क्या सोचते हैं, कैसे कर पाओगे? कमाल है, वो तो एकजुट है, हमारे साथ हैं। पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं पर उसमें बदलाव भी होता है, समय के साथ सब कुछ हो जाता है। और कल हम इकट्ठे होंगे, आप हमें मिलने आइएगा, हम इकट्ठे होंगे और टूर भी कर रहे होंगे और लोगों से अनुरोध करेंगे कि हमारा समर्थन करें। जो उनकी अपनी बातें हैं वो सही है, डिफरेंसेस होते हैं, पॉलिटिकल डिफरेंसेस होते हैं, बट जब आप बड़े एजेंडे पे काम करने वाले हैं तो मुझे लगता है एक एक मत बना के चलना होता है। क्या आप गंगूराम मुसाफिर आपके साथ होंगे? ऑफ कोर्स होंगे, मेरी सुबह ही बात हुई है उनसे, क्यों नहीं होंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से विनोद सुल्तानपुरी बहुत सी चीजों के लिए एक बड़ा ब्रॉड जो है एक मैप तैयार करके बैठे हुए हैं और आम जनता के बीच में जा रहे हैं। हालांकि आज से शुरुआत हुई है परंतु इनके मैप बिल्कुल क्लियर है। इस विषय पर कैसे ये और लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं, कैसे ये 3 लाख वोट का अंतराल जो है वो खत्म करेंगे, ये अभी अगले चरण में देखेंगे। अगले दोबारा हम इनसे दोबारा बातचीत करेंगे, इनका जब एक एक राउंड पूरा हो जाएगा उसके बाद क्या विचार रहते हैं विनोद सुल्तानपुरी के, उस विषय पे जरूर बात करने की कोशिश करेंगे। सोलन से अनुराग शर्मा, इंडिया न्यूज़।